हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी ब्लॉग्स। सो आज का मौसम बहुत अच्छा है और धूप दे रहा है। सो मैं आज आया हूँ जोरहाट के प्लेनेटेरियम, साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम। असम में दो ही प्लेनेटेरियम है, एक है गुवाहाटी में और एक है जोरहाट में। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, चलिए अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। जोरहाट साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम में एंट्री करते ही आप लोगों को एक गार्डन दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत बढ़िया पार्क बना दिया है। और यहाँ ये सब मूर्ति देखिए, इंडिया का पॉपुलर साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस रामानुजन, ओके, जे सी बोस, ऑलर साइंटिस्ट। यहाँ है सी वी रमन का मूर्ति। झूला अपने आप झूल रहा है, लगता है कोई स्पिरिट बैठा है इसमें। ये एक बहुत बड़ी मछली के आकार में इलिप्टिकल स्पीकिंग ट्यूब है। एक तरफ से कुछ बोलने से दूसरे तरफ एक डिफरेंट वॉइस में सुनाई देता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। जोरहाट साइंस सेंटर एंड प्लेनेटेरियम को 2009 में असम का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। और तब से ये प्लेनेटेरियम में लोगों का आना जाना होता रहता है। असम में दो ही प्लेनेटेरियम है, एक गुवाहाटी में है और दूसरा ये जोरहाट में है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एंटर इनटू द साइंस म्यूजियम, द साइंस सेंटर। ओके, चलिए अंदर जाते हैं। रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरती से सब कुछ मेंटेन किया गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है अंदर, नो डस्ट नो डर्ट, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड हियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस स्कूल में मिला होगा सभी को साइंस में। यहाँ से जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइनिंग करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स बनाया जाता है, केरोसिन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लाइक दिस। पूरा प्रोसेस को एक मॉडल के रूप में यहाँ बनाया गया है। मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल ड्रिलिंग का प्रोसेस का मशीन का एक मॉडल है यहाँ, पूरा प्रोसेस समझाया गया है। महासागर के अंदर पेट्रोल की खुदाई किस तरह कैसे करता है उसका एक मॉडल पूरा बनाया गया है यहाँ, एक्सप्लेनेशन है। आप लोग यहाँ आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सर्फ एक्सेल जैसे डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट और ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पैम्पर्स, ये सब भी पेंट्स, मतलब ऑयल का जो बाय प्रोडक्ट होता है, क्रूड ऑयल का जो बाय प्रोडक्ट उससे ही बनता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये आसमान से गिरा था 2007 में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में गिरा था ये, और यहाँ ला के इसको प्रिजर्व किया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर में इतना ही था और ऊपर चलिए चलते हैं, देखते हैं।
ये जो आप कुआं देख रहे हैं इसको इन्फिनिटी वेल कहते हैं। ये जस्ट 1 मीटर डीप है, लेकिन इसके अंदर जब देखा जाए तो लगता है कि ये बहुत ही गहरा है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन और मिरर का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। फन मिरर, ये कॉनकेव मिरर है जिसमें मैं बहुत लंबा हो गया हूँ। ये वाला थोड़ा एस टाइप का है, इसमें मैं छोटा हो गया हूँ और ऊपरी हिस्से में उल्टा दिख रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स वाला है, इसमें मेरा हाइट छोटा हो गया है। साइंस सेंटर इज ओवर, नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द प्लैनेटेरियम। सोर्स दिखाएगा उसमें यूनिवर्स का, जैसे कि मेरा एक पहले वीडियो छोड़ा था मैं कोलकाता का, जो बिरला प्लैनेटेरियम था, उसमें जैसे स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ दिखाते हैं यूनिवर्स में, और वो सभी दिखाएगा मुझे लगता है। तो चलिए, 12:30 शो है, अभी 1.5 घंटा बाकी है। तो भाई लोग, प्लैनेटेरियम के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है, तो वीडियो करने नहीं दिया वहाँ अंदर, तो इसलिए आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया। और पिछले वीडियो जो प्लैनेटेरियम का था वो कोलकाता का था, उसमें मैं आपको दिखाया था कि प्लैनेटेरियम के अंदर किस तरह का सोर्स होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन ऊपर जो दिख रहा है, आई बटन में क्लिक करके भी वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सेम सोर्स ही है। आज संडे है, इसीलिए इतना स्टूडेंट्स नहीं आया है इसमें। वीकडेज में जनरली स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के होते हैं स्टडी टूर पे आते हैं विथ टीचर्स, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। अल्टीमेटली बहुत बढ़िया जगह है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप लोग आ सकते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। बट दिस प्लेस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर डैट दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर कपल्स, ओके। लवर्स के लिए, कपल्स के लिए ये प्लेस सूटेबल है नहीं। This is only for gaining certain knowledge about science, about universe. तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। I'm signing off and see you next time and give a thumbs up to this video and if you are new to my channel do subscribe it. तो आगे इस तरह का वीडियो और आता रहेगा, ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, ट्राई करूँगा एवरी वीक एक नया ब्लॉग अपलोड करूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सो थैंक यू, बाय बाय।